वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राबेल मेरे साथ मौजूद है और लेकर आई हैं आपके लिए गर्मा गर्म अवन से निकली हुई तीन अच्छी अच्छी खबरें, यानी कि गुड न्यूज़। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कैसी हैं जनाब? मुझे लगा था आप कहेंगे ओवन से निकली हुई गरम गरम केक। नहीं, केक क्या, जितनी अच्छी खबरें तुम सुनाती हो, केक उसके सामने क्या बेचता है? वो तो गाजर का हलवा होती है। अरे वाकई, है ना, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन होती है। डिपेंड करते हैं मौसम कौन सा है। आजकल के मौसम के हिसाब से, आजकल के मौसम, अगर गर्मियां हो तो फिर रसगुल्ले, रसमलाई, रसमलाई और कुल्फी फालूदा हुआ करेगा। एग्जैक्टली, और खीर, खीरनी, ठूठी वाली खीर। हाय हाय। अच्छा जी, जो पहली खबर है ना, इतनी प्यारी खबर है, इतनी क्यूट खबर है, आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा जी, ये ना सिर्फ हैरत अंगेज है बल्कि बड़ी फिल्मी सी खबर है। फिल्मी? हाँ जी। लाहौर के एक फैशन फोटोग्राफर हैं ताजवर मुनीर, उन्होंने ना एक कबाड़िया की दुकान से एक स्केचबुक खरीदी जिसमें बहुत सारे स्केचेस बने हुए थे, जैसे किसी का पोर्टफोलियो था। ठीक है। उन्होंने 200 रुपए में वो स्केचबुक खरीदी और वो सारा रास्ता ये सोचते रहे कि यार इतने अच्छे स्केचेस बनाकर, इतना अच्छा आर्टवर्क करके क्यों किसी ने इसको जो है ना फरोख्त कर दिया, आप ये स्केचेस देखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कहानी में ट्विस्ट ये आया कि इस स्केचबुक के ऊपर नाम लिखा हुआ था ग्रेस का। ग्रेस जी, यानी कि हर स्केच के नीचे ग्रेस का सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, ओके, सिग्नेचर था। हाँ जी, उन्होंने जबरदस्त स्केचेस हैं बाय द वे, पहले तो इनकी, उनको हम अप्रिशिएट करें। बिल्कुल, उफ, जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जी, उन्होंने ग्रेस को सर्च किया इंस्टाग्राम पे और उनको ग्रेस मिल गई। अच्छा, ओके, ठीक है। और उन्होंने उनको फिर मैसेज किया कि क्या ये वाकई आपकी स्केचबुक है, और वाकई में ग्रेस जो है वो लंदन में मुकीम है और उन्होंने ये स्केचेस बहुत मेहनत से बनाए थे जो कि गलती से उन चीजों में शामिल हो गए जो उनकी वालिदा ने किसी खिराती इदारे को बेचे थे। और हुए, हुए, जी आप ये देखिए, ये ग्रेस है और इनका यूनिवर्सिटी एडमिशन इस वजह से रुका हुआ था क्योंकि जिस सब्जेक्ट में उन्होंने एडमिशन लेना था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने अपना पोर्टफोलियो सबमिट करवाना है, और वो होता होता वो तो लंदन टू लाहौर पहुंचा हुआ था। लंदन टू लाहौर पहुंचा, कबाड़िये के पास से होता होता लाहौर के कबाड़ी की दुकान पे पड़ा हुआ। बिल्कुल, तो ताजवर ने उसको वहां से उठाया और ग्रेस को राबता करके फिर वो उसको, तो अमेजिंग। ये उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे फिर उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, बातचीत हुई, और इस तरह से उनका जो ये इतना जबरदस्त उनकी मेहनत थी, उनका पोर्टफोलियो था, वो ताजवर ने उनको पहुंचाया लंदन और फिर उनका यूनिवर्सिटी में उनके मनपसंद सब्जेक्ट में एडमिशन भी हो गया। वाह, तो ग्रेस तो बड़ी खुश हुई होंगी। वो कितनी खुश हुई होंगी, और मतलब उनका जो क्या कहते हैं, फेथ इन ह्यूमैनिटी रिस्टोर्ड। Exactly. भाई बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ताजवर को बहुत मुबारकबाद। और आई थिंक कि ये जो एक फीलिंग होती है ना एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन, जब आप सोचते हैं कि यार ये किसी का इतना इनक्रेडिबल काम है, ये कैसे उसने फेंक दिया। हाँ। उसने फेंका नहीं था, वो तो उसका जिंदगी भर का असासा था, असासा था उसका, कुल असासा था, बल्कि कुल असासा। भाई जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत ह्यूमन स्टोरी थी, मजा आ गया, मजा आया ना। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे सवाबी। ओके, ठीक है। सवाबी की गवर्नमेंट ने एक इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि सवाबी में जो वुमेन यूनिवर्सिटी है सवाबी की, उसमें ख्वातीन के दाखिले के लिए अब उम्र की हद ख़त्म कर दी है। ओके, जी, ओके। और ये फैसला उन ख्वातीन के लिए किया गया जिनकी या तो जल्दी शादी हो जाती है और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाती, या उनके माली हालात ऐसे नहीं होते कि वो तालीम जारी रख सकें। तो अब जो है, जो तालीम दोबारा शुरू करना चाहती हैं उनके लिए ये फैसला किया गया है, ख़ासकर ऐसे इलाके जहाँ पर या तो जल्दी शादी का रिवाज होता है या बस कहते हैं जी बस एक हद के बाद हमने ख्वातीन को, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, तो उनके लिए लेटर इन लाइफ अगर वो चाहें कि अपनी तालीम को परस्यू करना चाहें, तो फिर अब पूरी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई कैद नहीं है। आप किसी भी एज में, वैसे मेरा तो ख्याल है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में उम्र की कैद नहीं है। बिल्कुल, इल्म हासिल करने के लिए तो उम्र कोई उम्र नहीं से तो कोई ताल्लुक नहीं, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं आपका इल्म चल रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन बहुत खुशाइन कदम है स्वाबी यूनिवर्सिटी का, और ऐसे में आप देखें ना कई दफा, अच्छा ऐसी खवातीन भी होंगी जिनके बच्चे बड़े हो गए, अब वो खुद स्कूल कॉलेज जाने लग गए, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश, उनका एक ख्वाब, एक ड्रीम था कि मैंने आला तालीम हासिल करनी है, वो अब यूनिवर्सिटी में दाखला ले सके। बिल्कुल बिल्कुल, वाह। मैं तो कहती हूँ सारे तालीमी इदारों को, जहाँ पर अगर ऐसा कोई अभी रूल नहीं भी है तो उनको भी इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, आखिरी जो खबर है वो है अमरीका की। अमेरिका की एक स्टार्टअप ने एक इनिशिएटिव में कन्वेंशनल विंड टरबाइन में एक इनोवेशन वो लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने क्या किया कि रिवायती विंड टरबाइन के मुकाबले में ये जो नई टरबाइन है ये उतनी ही एनर्जी जनरेट करती है जितना एक आपका नॉर्मल कन्वेंशनल टरबाइन करता है। okay. लेकिन बड़ी कम कॉस्ट में, इसके ऊपर बहुत कम लागत आती है। इसकी वजह यह है कि इसका जो एक
ट्रैक होता है उस पर इतनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है कि उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। अच्छा, ओके। हाँ जी, ओके। और ये ट्रैक जो है वो कुछ किलोमीटर्स लंबा होता है, जो कि 25 मीटर बुलंद टावर से मुंसलिक होता है। और इस स्टार्टअप के मुताबिक इसकी तामीर की लागत जो है वो रिवायती टर्बाइन के मुकाबले में कई गुना कम है, और एक तकरीबन एक तिहाई कॉस्ट पर जो है ये टर्बाइन हमें उतनी ही एनर्जी जनरेट करके दे रहा है जितना कि एक आपका पुराना कन्वेंशनल टर्बाइन करके देता था। देखिए भाई, अब ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है ना, ये अब नए नए रूप नए नए रंग हमारे सामने लाती है, और बिल्कुल एनर्जी के जो इस तरह के ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस और सोर्सेज हैं उस पे अब इंसानी जहन जो है वो काम कर रहा है। बिल्कुल। कि आग कोयले से कहानी शुरू होते होते है, फिर पेट्रोल, और अब जरा देखिए फिर सोलर, और अब हवा से एनर्जी जो बनाई जाती है बहुत ही ज्यादा, मतलब क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज का जो इशू है जिसका जिससे हम दोचार हैं, पूरी पूरी इंसानियत दोचार है, उनके लिए ये बड़ी जबरदस्त अच्छी खुशाइंद खबरें। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब हम चलेंगे तस्वीर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हमें बस्ती मलूक से वसीम सिद्धू ने तस्वीर भेजी है। ओके जी, बस्ती मलूक वालों को हम वेलकम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। सिद्धू साहब, क्या बात है जी, आपकी जबरदस्त तस्वीर ली आपने, जबरदस्त, ब्यूटीफुल, लो एंगल जमीन पे बैठ के, अरे वाह, ऊंट का रक्स ब्यूटीफुल, और उसको जो सजाया हुआ है, वेरी नाइस, वेरी नाइस सिद्धू साहब, मजा आ गया। इसके बाद मानसहरा से गुल शहजादा तनोली ने तस्वीर भेजी है। ओके जी, मानसहरा वालों को भी हम वेलकम कहेंगे। लो जी, मानसहरा का खूबसूरत आसमान देख लीजिए, पहाड़ भी है, सब्जा भी है, तनोली साहब वेरी गुड, जबरदस्त, कितना अच्छी फ्रेमिंग है आपकी फोटोग्राफी की, वाह सुभान अल्लाह, गुलाब के फूल फोरग्राउंड में, वेरी गुड वेरी गुड भाई, तनोली साहब छा गए आप, जबरदस्त। इसके बाद लैया से जीशान ने तस्वीर भेजी है। लो जी, लैया वालों को भी हम वेलकम कहेंगे। जीशान, ये क्या, ये कोई खेत है या कोई सब्जी, सब्जी का खेत लग रहा है मुझे, है ना जी, कुछ शलजम मूली, पता नहीं, अब सब खामोश है, किसी को समझ नहीं आ रही, बहरहाल भी बहुत अच्छा, ये चारा उगाया जा रहा है गाय भैंसों को डालने का, वेरी गुड, पीछे सरसों का खेत भी है। अच्छा जी, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट तलागंग से सादिया सलीम ने हमें तस्वीर भेजी है, और ये इन्होंने कोई डिश बनाई है। लो जी, सादिया ने क्या बनाया है, अरे इसका इसका नाम है करकाना, 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 हाँ। अच्छा, ये तो मुझे पेठा, कोई मिठाई लग रही है, ये ना कोई पंजीरी की कोई किस्म है, क्योंकि इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स, सूजी, देसी घी और दूध है। अरे वाह, अरे वाह, हाँ जी, सूजी की टुकड़ियां इन्हें हम कहा करते थे, हमारी अम्मा बनाया करती थी सूजी की टुकड़ी। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद हमें तहसील चिश्तियां से उमर शहजाद ने तस्वीर भेजी है। लो जी, चिश्तियां वालों को हम वेलकम कहेंगे। अरे भाई उमर, ये तो कोई खंडरात से लग रहे हैं मुझे, बड़ी आर्टिस्टिक तस्वीर है, अरे ये तो कोई रुइंस है, वाह भाई उमर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन थोड़ी डिटेल भी हमें बताते ना कि ये क्या है, ये कौन सी इमारत है, ये कौन सी जगह है, अब वो उस डिटेल भी हम साथ बताते कि ये कितनी पुरानी है, क्या है, उसकी रेनोवेशन भी हो रही है, उसको प्रिजर्व भी किया जाने की कोशिश है, तो इसकी तरह उमर आपने हमें डिटेल बतानी है। इसके बाद गफूर ने हमें पता नहीं कहां से तस्वीर भेजी है। लो जी, पता नहीं कहां वालों को हम वेलकम कहेंगे, ये पता नहीं कहां से, ओ गफूर, ढेर सारे आपके दोस्त आ गए, बहुत सारे दोस्त हैं जी, इंकू मिंकू पिंकू टिंकू चिंकू मिंकू लिंकू डिंकू, सबके नाम रख दिए मैंने, कबूल फरमाइए, वेरी नाइस। यहाँ पर हुआ हमारी तस्वीर का इख्तिताम, अब चलेंगे मैसेजेस की तरफ। हवेलियां से सवेरा नदीम कह रही हैं, सर कैसे हैं, आजकल सर्दी की वजह से मेरा गला अक्सर बैठ जाता है, तो कोई ऐसी टिप दे दें जो आप खुद भी इस्तेमाल करते हों, इसके अलावा क्या सुबह निहार मुंह गर्म पानी पीने से वजन गिरता है, वैसे तो ये सवालात आपसे नहीं बनते लेकिन उम्र और तजुर्बे के लिहाज से जवाब दे दें। नहीं, मुझसे क्यों नहीं बनते, क्या मतलब आप मुझे चैलेंज करेंगे कि मैं अपना वजन नहीं गिरा सकता सवेरा, ये क्या बात हुई, ये तो आपने मुझे नाराज कर नहीं, तो क्या पता उनका ये मतलब हो कि आपको तो इनकी जरूरत ही नहीं है, ओह यस, आप वैसे ही इतने फिट हैं, ओह यस, देखो इसको कहते हैं टू सी हाफ ग्लास फुल, और आधा गिलास खाली नहीं देखना जिंदगी में, आधा गिलास भरा हुआ देखना सवेरा। पहली बात है, थैंक यू वेरी मच, आप हमारा शो देखती हैं। पानी तो जी ऐसी अल्लाह की रब की नेमत है कि चाहे सुबह है चाहे शाम है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, वेट लॉस के लिए भी और वैसे भी अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए। आजकल सर्दियां हैं, प्यास उस तरह से लगती नहीं, लेकिन जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, पहली बात। दूसरी बात, सुबह निहार मुँह बिल्कुल पानी पीना चाहिए, 2-3 ग्लास पीना चाहिए, और नीम गर्म या गर्म पानी पिए तो क्या ही बात। बिल्कुल बिल्कुल, वज़न गिरता है इससे,
जी, वेट लॉस के अंदर जितना ज्यादा आप पानी पियेंगे आप की कैलोरीज को फ्लश आउट होने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल पानी, वजन गिराना है या नहीं गिराना, मेरा पॉइंट ये कि पानी पीना जरूरी है, डिहाइड्रेट ना हो जाए हम। ठीक है जी, मरी से सभा कह रही हैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सब घर वाले और मेरी चूचू जो कि बिल्ली का नाम है वो भी आपका शो बहुत शौक से देखती है क्योंकि उसकी फेवरेट जगह टीवी के आगे बैठना है। अरे हाँ, वो भी हमारे साथ आपका प्रोग्राम देख रही है, तो मेरी बिल्ली को हेलो कह दे। हेलो चूचू, कैसी हो? बिल्कुल, देखो ऐसे कान उसने ऐसे, चूचू चूचू चूचू, देखो कान ऐसे हिला रही है और टीवी की तरफ देख रही है। कैसी हो गुड़िया रानी, ठीक हो? बिल्कुल ओके, गुड, शाबाश। अच्छा जी, इसके बाद हवेली लखा से जमीला कह रही हैं, मेरे जैसी लड़की जो सारा दिन घर के काम करने के बावजूद अम्मी से डांट खाती रहती है, वो ये समझती है कि कैमरामैन का काम सबसे मुश्किल है आईटी और इंजीनियरिंग से भी ज्यादा। भला वो कैसे? वो ऐसे कि आप तो जनाब एक जगह बैठे होते हैं, वो घुमा घुमा कर खूबसूरत एंगल से शॉट बनाते हैं, खड़े होकर बैठ कर हर तरह से। जमीला बिल्कुल तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं सारे कैमरामैन हमारे ना ऐसे सर हिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन भाई मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि जो कैमरामैन है ना, इनके पास ट्रिक्स भी हैं। ये जब दिल करता है ना, कभी किसी दिन मेरे से नाराज हो, ये ऐसे ना लेंस को ऐसे करते हैं तो मैं मोटा हो जाता हूँ, फिर किसी दिन जरा खुश हो जाए तो मुझसे तो ऐसे ऐसे करते हैं तो फिर मैं पतला दिखाई देता हूँ। बड़ी ट्रिक्स है इनके पास, ये कोई ऐसे आसान लोग नहीं है, ये बड़े गुंजल वाले लोग होते हैं जो कैमरामैन, उनके साथ बड़ी बना के रखनी पड़ती है, वरना प्यारी नहीं नजर आते। हाँ, इनको खुश रखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये लाइव बदले निकाल लेते हैं। लाइव बदले निकालते हैं। हाँ जी, मैसेजेस का भी हुआ इख्तिताम, सेगमेंट का भी हुआ इख्तिताम। बहुत बहुत शुक्रिया राबेल, खुश रहो, जीती रहो। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हारून श्वेब हमारे साथ होंगे, और आज हम कुछ आपको सैर करवाएंगे, कुछ यादें ताजा करेंगे हम पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी कराची सेंटर के शोज की। जी, तैयार हो जाए, गर्मा गर्म चाय का कप बनाकर बैठ जाए टीवी के आगे। अभी मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।